प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सॉ प्रैक्टिस, जिसकी कोड नंबर है EL201 के अंतर्गत प्रैक्टिकल थर्ड का अध्ययन करेंगे। प्रैक्टिकल थर्ड है टू स्टडी एंड रीड डाटा मैनुअल फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स एंड देयर इक्विवेलेंट्स। यानी हम डायोड्स और ट्रांजिस्टर जैसे विभिन्न कंपोनेंट्स का अध्ययन करेंगे और इनके डाटा मैनुअल के ऊपर जानेंगे, इनकी टेस्टिंग के बारे में जानेंगे, इनकी पहचान के बारे में जानेंगे, किस प्रकार इनको आइडेंटिफाई या पहचान करते हैं, इनके लैक्स की लीड्स की। सर्वप्रथम पिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायोड। डायोड्स के जो पिन होते हैं उनकी पहचान करना। पिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायोड्स। डायोड्स यानी दो सेमीकंडक्टर मेटल से मिलकर बना होता है, पी टाइप मेटल और एन टाइप, और उन दोनों के मिलन से पीएन डायोड का निर्माण होता है। ये डायोड विभिन्न प्रकार के होते हैं जो मार्केट से उपलब्ध होते हैं, जैसे पिन डायोड है, एलईडी है, डिजेनर डायोड है आदि। इस प्रकार ये विभिन्न डायोड, समय टनल डायोड भी होता है, ऐसे कई प्रकार के डायोड्स होते हैं जिनमें पी और एन मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ डायोड नीचे चित्र में दिखाए हैं जिनमें उनमें एनोड और कैथोड को दिखाया है। डायोड के दो ही लीड्स होती है, यानी दो टांगी होती है जो एनोड व कैथोड का काम करती है। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है, जैसा कि चित्र में दिखा रखा है। यहाँ ये पीएन डायोड, इस पीएन डायोड में ये जो लीड है इसकी, ये कैथोड है तो दूसरी एनोड। अब ये लीड की पहचान कैसे करते हैं? जो तीर का दिधर निशान है, यानी जो सिरा नुकीला है, वो बड़ा नेगेटिव होता है, और जहां से मोटा सिरा होता है पीछे वाला, वो पॉजिटिव होता है, यानी एनोड होता है। पीछे वाला हिस्सा, आगे वाला कैथोड होता है। अब एलईडी की बात करते हैं। एलईडी क्योंकि एक लाइट इमिट करने वाली डायोड है, जिसमें बड़ी जो लैग होगी, लीड होगी, वो एनोड कहलाती है, जो छोटी लीड होती है शेप में, आकृति में, वो कैथोड कहलाती है। और इस प्रकार हम इसको इजीली, इसके एनोड कैथोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड होता है इन डायोड्स में। जेनर डायोड की बात करते हैं। जेनर डायोड में जहां ये पट्टी बनी हुई है वो कैथोड होता है, यानी नेगेटिव वाला स्थान होता है, और जहां पर पट्टी नहीं बनी होती वो कैथोड होता है, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। साथ ही इसके ऊपर एक स्लीव लगी होती है, स्लीव के ऊपर ये पट्टी बनी होती है जेनर डायोड में। तो इस प्रकार हम डायोड की पहचान कर सकते हैं। डायोड्स के नंबर लगे होते हैं, उन नंबर से उनके टाइप का पता चलता है, और साथ ही उनकी जो शेप है, आकृति है, उसके आधार से भी हम उनके पहचान कर पाते हैं कि ये डायोड एलईडी है, जेनर डायोड है, या अदर कोई और डायोड है। डायोड टेस्टिंग में मल्टीमीटर का इस्तेमाल होता है, डिजिटल मल्टीमीटर या एनालॉग मल्टीमीटर कोई भी यूज कर सकते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर में नंबर साथ दिखाई देते हैं डिस्प्ले के ऊपर, और एनालॉग मल्टीमीटर में सुई होती है जो निडल, वो जो डायल होता है, डायल के ऊपर वो रोटेट करती है, घूमती है। मल्टीमीटर की जो एनालॉग मल्टीमीटर है उसकी को कम रेजिस्टेंस पर सेट कर सकते हैं, और उसके काले तार को ए भाग से तथा लाल तार को कैसे जोड़े। इस स्थिति में अगर डायोड कम प्रतिरोध दिखाता है, कनेक्शन परिवर्तित करने पर प्रतिरोध अनंत प्रतिरोध दिखाए, तो डायोड ठीक है। यानी काले तार को ए से जोड़ा और लाल तार को, यानी लाल जो नोब है मल्टीमीटर की, उसको के से, यानी कैथोड से जोड़ा, तो ये रिवर्स बायस होता है। रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस हमेशा मल्टीमीटर कम दिखाता है, और इस कनेक्ट को उलट देते हैं, यानी काले तार को के से
और लाल तार या लाल जो नोब है मल्टीमीटर की, उसको ए से जोड़ते हैं, एनोड से जोड़ते हैं, तो ये फॉरवर्ड बायस होता है। और फॉरवर्ड बायस में ये अगर अनंत रजिस्टर दिखाए अगर ये अनंत रजिस्टर दिखाता है तो इसको हम रिवर्स बायस कहेंगे, और रिवर्स बायस में ये हमेशा हाई रेजिस्टेंस दिखाता है। और फॉरवर्ड बायस होता है यानी जो नेगेटिव शिरा कैथोड से जुड़ा होता है और पॉजिटिव शिरा कैथोड एनोड से जुड़ा होता है, पॉजिटिव शिरा, तो उस केस में ये फॉरवर्ड बायस होता है, उस केस में ये मिनिमम रेजिस्टेंस दिखाता है। तो हमेशा याद रखियो, फॉरवर्ड बायस में लाल सिरा एनोड से जुड़ा होता है और काला सिरा जो नेगेटिव है वो कैथोड से जुड़ा होता है, तो फॉरवर्ड बायस होता है और इसमें कम रेजिस्टेंस दिखाता है। और इसका रिवर्स कर दें तो रिवर्स बायस में, या उलट दें इनको, एनोड से लाल की बजाय काला जोड़ दें और कैथोड से काले के स्थान पर लाल जोड़ दें, तो ये रिवर्स बायस होगा। इसमें हाई रेजिस्टेंस दिखाता है या अनंत रेजिस्टेंस दिखाता है, डिस्प्ले पे कई बार कुछ दिखाता भी नहीं है, तो ये डायोड ठीक है। यदि डायोड का प्रतिरोध दोनों दिशा में शून्य हो तो डायोड शॉर्ट हो चुका होता है, और अगर दोनों दिशाओं में डायोड का प्रतिरोध अनंत आता है तो डायोड ओपन सर्किट के रूप में होता है। ओपन सर्किट का मतलब अंदर से सर्किट टूट चुका, और डायोड अगर अंदर से शॉर्ट है तो इसका मतलब आपस में वो कनेक्ट हो गए, सारी जो लीड्स आपस में कनेक्ट हो चुकी है अंदर से, तो ये इसकी पहचान करनी होती है डायोड टेस्टिंग में। इसमें देख रहे हो ए वाला पार्ट इसका एनोड है और इसमें ये जो ए है, सॉरी यहां पर ये जो ए है ये कैथोड है, और इधर वाला, सॉरी ये जो ए है ये एनोड है और इधर वाला के जो है वो कैथोड है। तो मैंने पहले बताया कि रिवर्स बायस में नेगेटिव सिरा यहाँ जोड़ेंगे और पॉजिटिव शिरा यहाँ जोड़ेंगे, रिवर्स बायस होगा, और अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो नेगेटिव शिरा इधर जोड़ेंगे और पॉजिटिव शिरा इधर जोड़ेंगे, तो ये फॉरवर्ड बायस होता है। डायोड के ये फॉरवर्ड बायस में दिखा रहा है, लो रेजिस्टेंस प्राप्त होता है फॉरवर्ड बायस में, और हाई रेजिस्टेंस मिलता है डायोड का कब, जब इसको रिवर्स बायस में इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉरवर्ड बायस में कम रेजिस्टेंस और रिवर्स बायस में हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस इसलिए सुई मेगा ओम 1 मेगा ओम के करीब जा रही है, और लो रेजिस्टेंस में फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 0 के आसपास होता है या 0 के पास डायल में। ये मल्टीमीटर डिजिटल हो तो इसके स्विच को घुमाकर डायोड वाली स्थिति में लाकर भी इसको हम चेक कर सकते हैं। इनकी लाल तार को एनोड से तथा काली तार को कैथोड से जोड़ते हैं, तो डिस्प्ले पर कुछ मान प्रदर्शित होगा और इन कनेक्शन को बदलने पर बाएं तरफ जो 1 ओम प्रदर्शित है वहां डायोड नीचे जाती है, तो डायोड सही है। तो दोनों स्थितियों में डिस्प्ले पर शून्य के लगभग मान आता है तो डायोड शॉर्ट सर्किट अंदर से हो चुका होता है, यदि दोनों स्थितियों में डिस्प्ले में अनंत आता तो डायोड ओपन सर्किट हो चुका होता है। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर पिन आइडेंटिफिकेशन। ट्रांजिस्टर की पिन की यानी जो इलेक्ट्रोड है, ट्रांजिस्टर में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, बेस, एमिटर और कलेक्टर, इनकी पहचान करना चित्र में दर्शाया गया है नीचे। जैसे ट्रांजिस्टर की बॉडी मेटेलिक की बनी होती है तो एक तरफ मेटेलिक टिप निकली हुई होती है, और ये टिप मैं बताता हूं आपको, मेटेलिक टिप ये यहां दिखा रखी है, ये मेटेलिक टिप है, इसकी बॉडी पे निकली थी, ये एमिटर को इंडिकेट करती है एमिटर, और बीच वाला जो है वो बेस होता है और लास्ट में कलेक्टर होता है। और अगर इसको देखें इस तरह नीचे से तो ये जो पिन है ये लीड की है, ये सब ये लीड है यहाँ पर, तो ये जो सिरा है नुकीला सिरा जहां पर मेटेलिक नोब से निकली होती है टिप निकली होती है वो एमिटर है, और बीच वाला बेस है और लास्ट वाला कलेक्टर है, तो ये बीच वाला बेस और लास्ट वाला कलेक्टर इस प्रकार। और अगर चपटा टाइप जिस तरह ये डी शेप में है, डायोड की शेप है,
और इसमें अगर इसका डी के रूप में रख के देखें तो इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है ये ई होता है, बीच वाला बी यानी बेस और नीचे वाला कलेक्टर होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं, इसको पहचान कर सकते हैं। और इनकी नंबरिंग होती है, जैसे मैंने बताया मेटेलिक बॉडी के होते हैं उनकी नंबरिंग इस तरह होती है, ये दिखा रखा है यहाँ पर BF 177, 178, 179, BD 155, CL 100, SK 100 आदि ट्रांजिस्टर इस प्रकार नंबरिंग की होती है मेटलिक बॉडी वाले ट्रांजिस्टर पे। जबकि ये जो डी टाइप शेप के होते हैं, जैसे ऊपर से शेप ये डी टाइप बनी हुई है, या इसको सी रूप में रखें, इसको ऐसे, ये सी हो गया, तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो एमिटर होता है, ऊपर वाला कलेक्टर होता है और बीच में बी होता है, बेस होता है। आगे हम और जो ट्रांजिस्टर की दिखा रखा है यहाँ पर, ये इसमें डोट लगा हुआ है, इस ट्रांजिस्टर में ये डोट लगा हुआ है और इस डोट के पास जो कनेक्शन है वो कलेक्टर होता है और बीच वाला बेस और लास्ट वाला एमिटर। ये इस प्रकार एक अलग प्रकार का ट्रांजिस्टर है। और एक पावर ट्रांजिस्टर होता है, पावर ट्रांजिस्टर में इस तरह की शेप होती है, मेटल का मतलब साइज भी बड़ी होती है इसकी, पावर ट्रांजिस्टर की। इसकी बॉडी कलेक्टर होती है और इसमें जो पिन है, ये वाली पिन जो है इधर वाली, देखने पर ये इमेटर होती है और दूसरी पिन जो होती है वो बेस होती है। इस प्रकार हम इसकी पहचान कर सकते हैं। और ये इसी प्रकार पावर ट्रांजिस्टर है, ऐसे वो हाई पावर के लिए यूज होता है, क्योंकि इसमें बॉडी जो है मेटेलिक बॉडी से इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसकी बॉडी पे हीट सिंक भी लगाया जा सकता है इस पावर ट्रांजिस्टर पे। यदि ट्रांजिस्टर पर दो टंकी तो इसके पास वाला इलेक्ट्रोड कलेक्टर, बीच का इलेक्ट्रोड बेस, तीसरा इलेक्ट्रोड एमिटर होता है। इस टाइप के ट्रांजिस्टर को AC127, AC128 और AC188 कहते हैं। कुछ पावर ट्रांजिस्टर जो मैंने लास्ट में बताया केवल दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इसे ट्रांजिस्टर की बॉडी कलेक्टर की तरह कार्य करती है। ट्रांजिस्टर के इस पर पढ़ो कि इसकी रेटिंग पढ़ सके, और इसकी दाएं वाली पिन बेस और बाएं वाली पिन एमिटर का काम करती है। एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर की पहचान करने के लिए कुछ मेथड हम यहां अप्लाई करेंगे। एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर की पहचान करने के लिए इसमें वो ही तरीका है, पहले वोल्टेज मल्टीमीटर के उच्च प्रतिरोध रेंज या रेजिस्टेंस रेंज में सेट करते हैं, और फिर हम जैसे डायोड को नापते हैं उनकी उनकी दोनों लेड्स पर अलग अलग ब्लैक और रेड नॉब जो मल्टीमीटर की, उनको रख के टच करके और रेजिस्टेंस को देखते हैं। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, मल्टीमीटर की लाल जो प्रोब है उसको बेस से तक काली प्रोब को बारी बारी से एमीटर व कलेक्टर से जोड़कर बेस एमीटर व बेस कलेक्टर के मध्य प्रतिरोध चेक करते हैं। यदि दोनों स्थितियों में प्रतिरोध कम आता है तो ट्रांजिस्टर एनपीएन टाइप है, क्योंकि हमने लाल प्रोब को बेस पर रखा था, बीच में रखा था, इसलिए बेस लाल से जुड़ा होने से पीस है, अगर बगल के दोनों एन होंगे इसलिए एनपीएन हो गया। और अगर मल्टीमीटर पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, काली नोब को अगर बेस पर रखते हैं, बीच पे बीच वाली जो बेस इलेक्ट्रोड है उससे जोड़ते हैं, और लाल जो प्रोब है उसको बारी बारी से एमिटर और कलेक्टर पर जोड़ते हैं, तो बेस एमिटर व बेस कलेक्टर के मध्य जो प्रतिरोध का मापन करते हैं, तो ये दोनों स्थितियों में प्रतिरोध कम आता है तो ट्रांजिस्टर पीएनपी है, क्योंकि जो नेगेटिव काली जो बेस है, सॉरी काली जो नोब है मल्टीमीटर की, जो उसको हमने कहाँ जोड़ा है, बेस के ऊपर जोड़ा, बीच में जोड़ा है, इसलिए वो एन है, क्योंकि वो नेगेटिव सिरा है, काला जो नोब है वो नेगेटिव ग्राउंड की होती है, इसलिए वो एन है। इस प्रकार ये ट्रांजिस्टर पीएनपी टाइप है, क्योंकि लाल जो सिरा है वो पॉजिटिव है और वो पी को इंडिकेट करता है, और जो काला सिरा है वो नेगेटिव को इंडिकेट करता है यानी एन को इंडिकेट करता है, इसलिए पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर होता है। यहाँ पर काला सिरा, काली जो नोब है
वो मल्टीमीटर से आ रही है जो ग्राउंडेड है, और लाल है वो पॉजिटिव सिरे से आ रही है, इसलिए वो पी को इंडिकेट करती है। ट्रांजिस्टर टेस्टिंग की आगे बात करते हैं, यदि मल्टीमीटर को डिजिटल है तो उसे डायोड टेस्ट पर भी रखते हैं, यदि मल्टीमीटर एनालॉग हो तो उसे कम प्रतिरोध पर रखते हैं, ट्रांजिस्टर के प्रत्येक पिन के मध्य डायोड टेस्ट करते हैं। यानी जैसे मैंने पहले बताया था, डायोड के अंदर ट्रांजिस्टर के अंदर दो दो डायोड जुड़ा हो इस प्रकार व्यवहार करता है, इसलिए बेस एमिटर और बेस कलेक्टर के बीच में जंक्शन के मध्य एक दिशा में ही इसके रेजिस्टेंस को मापते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि ये असल में किस प्रकार का ट्रांजिस्टर है और साथ ही अच्छी कंडीशन में है या नहीं। दूसरा तीसरा दो तरीके बताए, बेस कलेक्टर और बेस एमिटर के बीच में मापना, वैसे ही कलेक्टर एमिटर के मध्य भी दोनों दिशाओं में फंक्शन कंडक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बीच में बेस होता है इसलिए कंडक्शन संभव नहीं, जबकि बेस एमिटर में कंडक्शन होगा और बेस कलेक्टर के बीच में कंडक्शन होगा, क्योंकि ये पास पास होते हैं, बेस एमिटर के पास होता है और बेस कलेक्टर के पास होता है, इसलिए उनमें कंडक्शन संभव है, जबकि कलेक्टर एमिटर के बीच में कंडक्शन नहीं होता। इस प्रकार हम पीएनपी ट्रांजिस्टर का टेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार जो हमने बताया ये जो एनपीएन के लिए टेस्ट था, वैसे हम पीएनपी के लिए भी कर सकते हैं, और सेम एक ट्रांजिस्टर है उस ट्रांजिस्टर को दो डायोड के रूप में दर्शा सकते हैं, जिससे उसका टेस्ट इजी हो जाता है डायोड के रूप में। देखिए ये जो डायोड है ये बी और सी के बीच में, यानी बेस और कलेक्टर के बीच में, ऐसे ही दूसरा डायोड अगर बेस और एमिटर के बीच में मान लेते हैं, और इस प्रकार ये दोनों को अगर मिला दें तो ये पूरा एक ट्रांजिस्टर का रूप धारण कर लेता है। तो दो डायोड का मिलन से, अगर उसे कैथोड से आपस में मिला दें तो वो बीच वाला जो पार्ट है वो एन होगा, और इसलिए ये पूरा पीएनपी ट्रांजिस्टर के रूप में काम करेगा, क्योंकि ये दोनों सिरे इसके, ये नेगेटिव है, ये सिरा नेगेटिव है और ये सिरा नेगेटिव है, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर है एनपीएन, और जो कि इसके अंदर भी दर्शा रखा है, और इसके तीर के निशान से भी हम पता कर सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट को दर्शाया जाता है, तो तीर का निशान है ये पॉजिटिव से नेगेटिव करंट का दिशा को बताता है। इस प्रकार हम ट्रांजिस्टर एनपीएन की टेस्टिंग कर सकते हैं, और पीएनपी की टेस्टिंग के लिए ये जो डायोड लगा रखे हैं इनको उलट देंगे, यानी पॉजिटिव सिरे बाहर की तरफ हो जाएंगे, एक पॉजिटिव सिरा कहाँ होगा, एक एक सिरा इधर हो जाएगा पॉजिटिव सिरा, और दूसरा इधर हो जाएगा पॉजिटिव सिरा, यानी हम इस तरह दिखा सकते हैं इसको। तो ये तो ई हो जाएगा और ऊपर वाला सी हो जाएगा और बीच में बेस हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा यहाँ, तो इस प्रकार ये सी ऊपर ई नीचे और बेस बीच में, ये कौन सा टाइप का हो गया, पी एन पी टाइप ट्रांजिस्टर का रूप धारण कर लिया इसने। इस प्रकार हम डायोड की पहचान कर सकते हैं और उनका टेस्टिंग कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने डाटा मैनुअल डिफरेंट कंपोनेंट्स यानी डायोड ट्रांजिस्टर के बारे में अध्ययन किया, और ये आपका प्रैक्टिकल पूरा हो जाता है। इस प्रैक्टिकल को आप जो डिफरेंट रीडिंग्स हैं उन रीडिंग्स को आप एक टेबल के अंदर दर्शा सकते हो, कि पहले हम डायोड का फर्स्ट टाइम हमें सेज किया, फिर लीड को पलट के किया, और उनको हम टेबल के अंदर बना सकते हैं, लिख सकते हैं, और जैसे डायोड के लिए लिखा वैसे ट्रांजिस्टर के लिए लिख सकते हैं, और उससे निर्धारण कर सकते हैं ट्रांजिस्टर एनपीएन या पीएनपी है, और साथ में विवरण लिख सकते हैं टेबल में। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।